चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। क्या आप यहाँ के आजम बड़े पड़ोसी भसात छोड़ देते हैं? हाँ बिल्कुल, सोने तभी तो भाग रहे हैं, उतने दूर जा रहे हैं। हाँ यहाँ पड़ोसी लोग भसात छोड़ते हैं? नहीं, बहुत अच्छे पड़ोसी होते हैं, वही हमेशा दुख दर्द में काम आते हैं। हाँ वो तो हास्य विनोद करने के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं ट्रिविया बताता हूँ, इनका नाम त्रिलोकी है, इनका नाम भी त्रिलोकी है। गलत बोल रहा हूँ? दोनों लोग का त्रिलोकी नाम है। ये त्रिलोकी जी हमारे लिए बहुत अच्छी मिठाई लेकर आए, परवल की ना? ये सब नहीं बताना था। अरे नहीं, अरे क्यों नहीं बताना था? लो नहीं, वो भी भगवती साहब का खिलाए कि महावीर का? नहीं, भगवती साहब वाला खिलाए हैं। भगवती साहब वाला खिलाए, भगवती साहब वाला खिलाए, तो उसका मुकाबला किसी से नहीं है। ये बढ़िया वाला खिलाए। हां बढ़िया पड़ोसी हैं आपके, सही है? जो कहते हैं बड़े हैं हमसे। अच्छा, कंटेस्ट नहीं करेंगे? ना ना, सवाल राजनीतिक रूप से करेंगे लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। नहीं, हम राजनीतिक भी नहीं करेंगे। नहीं कंटेस्ट करेंगे? राजनीतिक भी कंटेस्ट नहीं करेंगे, जो कहेंगे आप मान लेंगे। ठीक है, रोकी जी की बताइए। हम दो दिन से टहल रहे हैं आजमगढ़ में, एक दिन से टहल रहे हैं आजमगढ़ में, पहला दिन है। और सच बता रहे हैं, यहाँ पे होटल नहीं मिल रहा है हमको। क्यों? अरे इतना होटल है साला, इतने सपाई आके भर गए हैं। हाँ। इतना भाजपाई भर गए हैं। हाँ। सबसे ज्यादा सपाई यहाँ भर गए हैं। सपाई आके भर गए होटल में? सबसे ज्यादा भर गए हैं, तो होटल में जगह आपको कहाँ से मिलेगी? क्या मतलब यहाँ के सपा वाले होटल में रहते हैं? नहीं, यहाँ के वो तो अपने घर में रहते हैं। हाँ। जो बाहर से आए हैं वो होटल में रहते हैं। बाहर से कौन कौन सपा वाला आ गया? हर सब प्रचार करने आए हैं धर्मेंद्र जी के। धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था और लगातार यहाँ पे रैलियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ दोनों ही मीटिंग कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, और तो और रैली के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, बास भी हो रहा है, लाठियां भी चल रही है, बास बल्ली टूट रहा है, बास बल्ली फड़ भी रहा है, फड़ भी रहा है ना? ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, कार्यकर्ताओं को संयम बरतना पड़ेगा। और संयम नहीं बरतेंगे तो फिर आगे क्या होगा? जनता का या जनादेश देगी आपको? क्या लग रहा है आजमगढ़ में क्या होगा, आप लोग क्या लग रहा है? देखिए, नेचुरल तो यही है कि दो की लड़ाई चल रही है, अब दो में कौन 20 होगा ये वोटर तय कर लेगा कि कौन 20 होगा यहाँ पे, कौन 20 होगा। आपका क्या मन कर रहा है? भाई देखिए, हम लोग तो व्यवसायी आदमी हैं, आप भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं, किसी पार्टी का एक का तो हम नुमाइंदा है नहीं। आप दोनों आदमी थोड़े सांसद देखना चाहेंगे? दोनों सांसद तो उसमें से एक ही आएगा। अब जिसको जनता चाहेगी, सीधी बात, जिसको जनता चाहे जो काम किया उसको देंगे, जो काम किया उसको देंगे। हाँ, निरहुआ काम किया है। निरहुआ काम किया है यहाँ पे? क्या नाम है दोस्त आपका? सूरज। सूरज भाई, तो निरहुआ क्या क्या काम किए दोस्त यहाँ पे? भैया यहाँ का रोड इतना खराब था। हाँ। 2 साल के अंदर में पूरा रोड बनवा दिया है निरहुआ। निरहुआ आज एक गली में भी जाएंगे तो आपको रोड एकदम एक नंबर का मिलेगा। पहले आप जिस रोड पे खड़े हैं ये रोड जाने लायक नहीं था। हाँ। दो दो फुट एक फुट का गड्ढा था। दो दो फुट का गड्ढा था पूरे इतने दूर में। इस रोड पे 2-2 फुट का गड्ढा था? यस सर। कब बना ये? ये रात को हम लोग सोने गए घर और सुबह आए तो बन के सड़क मिल गई। आपकी बात है ये इसी सत्य की बात है, ये निरहुआ की देन है और क्या है। अच्छा, ये कहने में हमको शर्म नहीं लग रही है? अगर आजमगढ़ की पब्लिक निरहुआ को नहीं जिताएगी अब की, तो उनके साथ बहुत बड़ी गद्दारी करेगी। गद्दारी कर देंगे। हाँ। अच्छा, फिर आजमगढ़ समझिए उठ भी नहीं पाएगा। हाँ। फिर विकास के मामले में उठ भी नहीं पाएगा। टहलिए थोड़ा सा, किनारे हट जाइए, टहल के एक बार चले वापस आ गए, थोड़ा सा जगह छोड़िए। फिर विकास के मामले में उठ भी नहीं पाएगा आजमगढ़। अच्छा, इतना जान लीजिए। ये बताओ, तुम चार दिन पहले हम बता रहे हैं। हाँ बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश सिंह है, आजमगढ़ जनपद में। ब्रजेश सिंह नाम है आपका? जी ब्रजेश सिंह। आज वो बनारस वाले ब्रजेश सिंह नहीं है? नहीं नहीं, वो जान भी रहे हैं तो। लगा भाई। नहीं नहीं, लगनेस नहीं होता है। मुछ मुछ भी है, लगनेस नहीं होता है। बात यह है कि जो सच्चाई है वो सबको दिख रही है। आजमगढ़ पहले सही में अपराध का गढ़ था। यहाँ जब भी कोई निकलता तो हम लोग ऑफिसों में जाते थे, जिलाधिकारी महोदय का ऑफिस हो चाहे किसी का ऑफिस हो, वहाँ 10 राइफल बंदूक वाले खड़े होते थे, नेताजी भीतर बैठे रहते थे। कोई टेंडर होता था, यहाँ के गुंडे उस टेंडर पर कब्जा करते थे, उनके यहाँ 10% कमीशन पहुंच जाता था। कब का पैसा होता था भैया? इस सरकार के पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछली सरकारों में सारी सरकारों में था। अच्छा, ये व्यवस्था थी और यह पिछला हुआ क्षेत्र था, यहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ। आज यहाँ विश्वविद्यालय है, आज यहाँ हर गरीब के लिए राशन की व्यवस्था है,
सबके घर में शौचालय है, सबके लिए आवास है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, आयुष्मान कार्ड है और हर आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है। अराजकता समाप्त हो चुकी है, सड़क पानी बिजली स्वास्थ्य सारे चीज का ध्यान है, महिलाएं सुरक्षित हैं, अमन चैन से लोग जी रहे हैं, और क्या चाहिए। जो कार्य हुआ है यह अत्यंत सराहनीय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह देश फिर सोच रहा है। अब कोई बचा ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई विकल्प नहीं है, मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है, चुनाव एक तरफा चल रहा है। अच्छा जी, बात कर ले पहले। बिल्कुल, मैं दोष से बात करूंगा ही, मैं तो होता ही है। ये बताइए, जब आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ तो सारा काम आजमगढ़ में दुइये साल में हुआ, मतलब मैं तो 2021 में भी आया था एक बार, त्रोगिया कौन सी जगह थी वो, रोडवेज था, रोडवेज के पास हम लोगों से बातचीत भी किए थे, हम घूमे घामे थे अगले दिन, तो लोगों ने बताया कि भैया काम धाम तो यहाँ पे हो रहा है लेकिन अभी भी कुछ काम किया जाना बचा है, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे थे लोग कि थोड़ा बहुत काम। आइए आइए, आप वहाँ से मत बोलिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। लोगों ने बताया थोड़ा बहुत काम किया है, थोड़ा बहुत बचा भी हुआ है, लेकिन लोग एक्सेप्ट कर रहे थे थोड़ा बहुत काम हो चुका है। बताइए मतलब थोड़ा बहुत क्या, मतलब थोड़ा बहुत में क्या हुआ था, यहाँ सड़कों में गड्ढे थे, हम लोग जाते थे, यही बाजारें छोटी छोटी मार्केट थी, पैंट निकाल करके मोटरसाइकिल पे हम लोग जाते थे, एक आदमी धक्का देता तब गाड़ी पार होती थी, कंदरापुर बाजार हो चाहे कप्तानगंज हो, यहाँ स्थिति ये थी। जूता पहन के लोग नहीं जाते थे, डिग्गी में जूता रखते थे, किसी तरह से गाड़ी पार होती थी लगभग 100 मीटर। आजमगढ़ इतना पिछड़ा रहा, अब इसके बारे में पिछली सरकारों से पूछिए, उनके नेताओं से पूछिए कि क्यों तब ये स्थिति थी, आज क्यों ये स्थिति है, आज की स्थिति उससे बेहतर कैसे होगी 10 साल में। इसलिए कि इनकी सोच थी अच्छा काम करने की, देश हित में काम हो रहा, समाज हित में काम हो रहा है, इसके पहले की सरकारें गुंडों का पोषण करती थी और अपना जेब भरती थी, आज सरकार गुंडा पालती थी, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कौन कौन गुंडा पाली सरकार, तमाम, अब हमारे पास इतनी लिस्ट, हमसे ज्यादा आपके पास लिस्ट है? अरे नहीं, हम थोड़ी लिस्ट लेके घूमते हैं, गुंडे नहीं, ये तो चर्चित लोग हैं, चर्चित लोग हैं, सबके बारे में जानते हैं। आज हम लोग यहाँ सुकून महसूस कर रहे हैं, नाम हमारे बस की बताना नहीं, नाम सब लोग जानते हैं, नाम मत पूछे तो बेहतर है। क्या गुंडों का नाम नहीं पूछना चाहिए क्या? नहीं नहीं, आप जानते हैं गुंडों, अब आदमी नहीं बताना चाहते तो अब क्या किया जा सकता है, लेकिन भाई चाहिए तो जो कि भाई कौन है, बोलना चाहिए। आप बताइए, कोई गुंडा, मतलब कोई गुंडा नहीं है। हाँ। कोई गुंडा नहीं, सब सांसद विधायक गुंडा होते हैं। हाँ, बताइए क्या, सांसद और विधायक गुंडा होते हैं कि प्रतिनिधि होते हैं? अरे ये बोलना है कि समाजवाद, मैं सांसद विधायक को गुंडा नहीं कह रहा हूँ, गुंडा एक व्यवस्था थी, यहाँ उनका कब्जा था, गुंडा नेता लोग पाल के रखते थे गुंडा, ये कह रहे हैं आप ना। नाम बताइए, क्या नाम है भैया आपका? सहजादे सिंह उर्फ मिंटू सिंह। क्या करते हैं भैया आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक का होलसेल का कारोबार करता हूँ। अच्छा, बताइए गुंडे का नाम। हम तो सर नहीं जानते हैं गुंडे का नाम, तो हमने उछल के बताया कि नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैं ये बोल रहा था, मैं नहीं जानता किसी गुंडे को। हाँ, नाम भी नहीं जानते? नहीं, नाम गुंडे जब है नहीं, आ जाऊंगा मैं तो कैसे नाम जाने। पहले थे? पहले, अब पहले रहे होंगे, हमारे जन्म के पहले वाले, जन्म के पहले की बात कर रहे हैं। अब दीना बुजारत, बचपन में लोग छोटे छोटे थे तो सुनते थे कि दीना बुजारत नाम के दो गुंडे हुआ करते थे यहाँ पे, मतलब जिसको जो मर मरा के खत्म हो गया गुंडा। हाँ, हाँ। उसका नाम लेने में कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी एक्टिव है उसका नाम नहीं लेंगे। हाँ, नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गुंडे। हाँ, गुंडे का नाम क्या था? गुंडे सारे जेल में है जो भी है, बाकी जो जेल में नहीं कहीं और चले गए हैं। इस समय अमन चैन से हम लोग हैं, यहाँ की जनता मन चैन से है, विकास हो रहा है, लोग मोदी सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हैं, योगी सरकार से पूरी तरह संतुष्ट। सही कह रहे हैं ब्रजेश सिंह जी, हर वंचित की चिंता हो रही है। जब से योगी बाबा आए प्रदेश में, तब से यहाँ सारे लोगों की गुंडे ही खत्म। अच्छा, और सारे लोग अमन चैन से घूम रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है किसी को भी, सारे लोग मस्ती का जीवन जी रहे हैं, सब लोग अमन चैन से पड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, लेकिन पहले बहुत दिक्कत थी। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम लोग कई जगह गए, अब तो चुनाव खत्म ही होने वाला है 8-9 दिन में, तो हम लोग कई जगह गए ना, लोग खासकर यंग लोग जितने में हैं बड़ा गुस्साते हैं कि सर नौकरी नहीं है। हाँ, ये तो यंग लोग और ये तो किसान कि भैया हमारा DAP ये यूरिया ये सब का दाम बढ़ गया, महंगाई है जितनी, और यंग लोग बोलते हैं सर नौकरी नहीं है, सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है, इतना बढ़िया है सब कुछ, नौकरी क्यों नहीं दे रही है हमको। भाई 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। हाँ। वो नौकरियां फिर कहाँ गई? नौकरियां 2 करोड़ देने के लिए कहे थे ना मोदी जी, तो नौकरियां कहाँ है? नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहे? नौकरियां देना चाहिए ना। बेरोजगार की भावना
भाषा क्या होती है? कोई बेरोजगार नहीं, बेरोजगार की भाषा क्या होती है? बताइए क्या होती है? मैंने उसके हाथों में दो दो ठो मोबाइल सारा 80,000 का 90,000 का, गाड़ी उसके पास दो चक्का के चार चक्का, बेल मेंटेन से चल रहा है, शाम को सारी व्यवस्था हो जा रही है, खाने एक व्यवस्था कौन सी है? मैंने खाने पीने की। अच्छा, वो भूखो तो मर नहीं रहा। बेरोजगारी पहले ज्यादा थी, अब कम है। पहले लोगों के पास वस्त्र नहीं था, आज सबके हाथ में मोबाइल 20,000 की है। समझ में नहीं आ, बेरोजगारी की भाषा यही है कि फर्स्ट क्लास का बेल मेंटेन है, दोनों वक्त खाना खा रहे हैं, शाम की व्यवस्था भी हो जा रही है, गाड़ी घोड़ा से चल रहे हैं, पार्टे 1,000-2,000 फूंक रहे हैं अपने ऊपर, वो भी बेरोजगार उनके पास है जो कुछ काम नहीं करना चाहते। अच्छा। जो काम करना चाहते हैं उनके पास सारा रोजगार है, उनके पास रोजगार सारा रोजगार है। वो पहले बेरोजगारी थी, पहले डकैती थी पहले, और रजनी थी, अब रजनी कहीं नहीं हो रही है। बेरोजगारी थी, अब बेरोजगारी नहीं है। पहले छिनेती रजनी होती थी, अब छिनेती रजनी कहीं नहीं हो रही है। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि जो जो संगठन या जो पार्टियां खुद वही करती थी, तो जब वही शासन सत्ता में तो कहां से होगा, कहां से होगा? कहीं 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 टीवी पे दिखाई दे रहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? कहीं दिखाई दे रहा? टीवी पे कुछ दिखाई देता है? टीवी पे कहीं कुछ दिखाई देता है? आप बोले क्या है? मतलब जो जो लोग पहले बेरोजगार थे वो अब सत्ता में है, ये बोल रहे हैं? सत्ता में है वो, वही देश चला रहे हैं इस वक्त। अच्छा, वो पहले जो दंगा होता था या विवाद होती थी सब वही लोग करते थे, अब तो नहीं, बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। तो जब वही लोग शामिल हैं सब में तो कैसे होगा? वो सरकार चला रहे हैं, बिल्कुल वही लोग सांसद हैं, वही लोग विधायक, वही लोग सांसद, वही भी लोग विधायक, हर पार्टी के, भाजपा सपा सब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई जवाब, कोई जवाब किसी के पास नहीं है। अरे कोई मुझे तो लिटमस टेस्ट लेना था बस भाई, के खिलाफ नहीं है। खाली सही बात कहने से लपेट का आपको ध्यान हटा सकते हैं, सिर्फ जबरदस्ती, जबरदस्ती बात ही है, जबरदस्ती की बात नहीं। जब कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी के पास कोई जवाब नहीं, जबरदस्ती कोई कुछ भी बात कर ले। हाँ, यहाँ हर वर्ग के लिए चिंता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो, जो भी पात्र है, जो जरूरतमंद है, सरकार ने सबकी चिंता किया है, सबको राशन की चिंता किया है, सबके आवास की चिंता किया, सबके शौचालय की चिंता किया है, सबके स्वास्थ्य की चिंता किया, सबके सुरक्षा की चिंता किया है। ये सड़कें जो बनी है, जात के नाम पे तो उनको आवास नहीं दे रही है, सबको दे रही है, जात के नाम पे राशन तो नहीं दे रही है, जात के नाम पे उनको जो है मेडिकल का सुविधा नहीं दे रही है, सबको दे रही है ना, तो कैसे जात पात की लड़ाई हो गई भाई? जात पात की लड़ाई सिर्फ शादी और ब्याह तक सीमित रखी है, उसके बाद बिल्कुल समान। शादी ब्याह में जात पात होना चाहिए, होना चाहिए। सबसे बड़ा भाई ये आज से नहीं, पहले से चला जा रहा है, ये कोई आज की बात तो है नहीं। तो क्या कोई छत्री बिरादरी, तो छत्री बिरादरी में ब्याह करता है, गोत्र बदल के करता है। हम अगर हलवाई हैं तो हम भी गोत्र बदल के अपना ब्याह करते हैं, ये तो आज से चल रहा नहीं, ये पहले से चल रहा। मान लीजिए कोई, मगर अब हर जगह आप जातियों को लेके बात करेंगे ये तो गलत बात है यार। वो ठीक है, आपका वो तर्क चलिए अलग है। मैं ये आपने कैमरे पे बोल दिया ना सर त्रिलोकी भैया कि जातियां कुछ जगह चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ शादी ब्याह में चलना चाहिए, वही चलना चाहिए बस, क्यों चलना चाहिए, क्यों नहीं चलेगी भाई? नहीं, वो तो जिसका जिससे मनो शादी करे, नहीं वो नहीं, उसके लिए ये तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं, आप लड़का लड़की अगर दोनों राजी हैं और दोनों गार्जियन है, अगर दोनों गार्जियन राजी हैं तो बिल्कुल बस, वो जाते हैं कोर्ट मैरिज करते हैं, करके चले जाते हैं, भाग के शादी कर ले तो भाग के कर, बालिक कर ले, कोर्ट मैरिज करके आते हैं, माई बाप उसको अपने आप ले लेते हैं, क्या भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, माई बाप एक्सेप्ट नहीं किए तो फिर वह तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे, अब कर रहे हैं, कर रहे हैं भैया। तो स्वतंत्र लोग अपना विचार, ये तो स्वतंत्र है ना। सबसे बढ़िया शादी कौन सी होगी? सबसे बढ़िया जो माता पिता बनाते हैं कुल और मूल देख के करते हैं, मैरिज वाली। हाँ, जो चार बिरादरी के लोग आते हैं, चार रिश्तेदारों के बीच में शादियाँ होती हैं, वो मजबूत शादी होती है समाज की निगाह। मान लीजिए मैं कथित रूप से छोट जात का आदमी हूँ, ठीक है, और मैं किसी एकदम ऊंची जात की लड़की से प्यार करता हूँ और हम उसको शादी करके ले आए अपने घर, ये गलत होगा? नहीं गलत नहीं, अगर वो दोनों परिवार उसको अपसेट कर रहा है तो गलत कहाँ हुआ यार? त्रिलोकी भैया को सही लगेगा गलत लगेगा? त्रिलोकी भैया अगर दोनों अगर शादी है राजी है तो हमको गलत क्यों लगेगा? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई? हम थोड़ा अलग सोचते हैं ना। नहीं, अलग मत सोचो आप ना। अरे सोचने दीजिए थोड़ा सा, सोचो ना। अरे काहे सोचने दीजिए ना, मेरा दिमाग है, थोड़ा सोचने तो दीजिए। सीताराम की दुनिया, सीताराम की दुनिया में सभी लोग रहते हैं, सबको रहने का अधिकार है। जब मुलायम अखिलेश जी यादव जी जब गए मंदिर में तो बाद में गंगा जल से उसको धुलवाया गया।
उस मानसिकता के लोग हैं, कन्नौज वाले मंदिर की, कन्नौज वाले मंदिर की। इस वक्त नौजवान जो है राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास कर रहा है। 10 सालों में कुछ हुआ नहीं और कुछ भी नहीं हुआ, और जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो उस पर जनता विश्वास कर रही है। अंकल जी तो बोल रहे हैं कि और इस वक्त जो है लहर चल रही, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी दोनों की लहर चल रही, कोई अब टिकने वाला नहीं है, बौखला गए। अंकल जी तो बोल रहे हैं कि सबके सबको एकदम साथ में लेके काम कर रही सरकार, फिर होता क्यों, फिर होता क्यों, ये हर जगह तो हार रहे हैं, कहीं जीत थोड़ी रहे। मुंबई के ऊपर पटक दे, वही अपसेट करें, उदाहरण अभी उदाहरण वही खोज पेश करेंगे, क्या उनका गृह जीवन जो है कैसे है और कहाँ से आया, कैसे चल रहा है, और क्या आज तक कोई विकार पैदा हुआ है, यही बता दें। आप पूछिए, पता नहीं विकार क्या क्या जवाब देंगे, आप पूछेंगे तो उसका जवाब देंगे। इनका आपके निजी जीवन पर कोई पता नहीं, आप निजी जीवन पर टिप्पणी क्यों करेंगे, निजी जीवन क्यों टिप्पणी करेंगे, ये तो बिल्कुल आई स्टैंड बाय हिम। हमसे क्यों आया बात पूछा कि इस बिरादरी से और इसे इसे ब्याह कर, आपने बोल दिया था साहब, आपने बोल दिया था साहब। जो कुछ भी आजमगढ़ में हुआ सिर्फ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उसके सिवा किसी ने आजमगढ़ के लिए नहीं किया। निरहुआ 2 साल क्या करते रहे, निरहुआ कुछ नहीं किया, सड़क खुदी हुई, कुछ नहीं सड़क खुदी हुई थी, और उधर नगर पालिका छोटा मोटा कोई सड़क थी, गड्ढा था, पैचिंग कर दिया गया। आजमगढ़ से प्लेन उड़ रहा है चाचा, अरे वो तो अखिलेश जी का है, अखिलेश जी, अखिलेश मुलायम सिंह यादव का है, इनका थोड़ी है, इनका थोड़ी है, वो तो पहले की सरकारों ने दिया है। सबसे बड़ी समस्या क्या है सपा वालों की, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि उन्होंने काम, भाजपा वाले ने कुछ काम किया है। अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है उन लोगों ने कमिश्नरी लाई, आजमगढ़ को कमिश्नरी दिया, तो इस साल ये सब बातें करके 50 साल तक कितना गुमराह करके अभी कितनी पीढ़ियों से यही बोल बोल के वोट लेते रहेंगे, हमने कमिश्नरी दिया, हमने कमिश्नरी दिया। अरे आपने दिया ये जनता भी जान रही है, उससे सब लोग वाकिफ हैं, बड़े बुजुर्ग सब लोग, हम लोग भी सुनते सुनते इतने बड़े हो गए, तो इस पे कह के कितने दिन तक गुमराह करके आप वोट लेते रहेंगे, और आजमगढ़ की जनता वोट देती रहेगी गुमराह करके कि भैया आपने कमिश्नरी दिया। अरे अब विश्वविद्यालय दिया ये हम भी कह रहे हैं, उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करते चाचा। एक्सेप्ट करते हैं आप, कौन आप एक्सेप्ट करते हैं विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय भी अखिलेश जी का, मुलायम सिंह यादव के जमाने का है, अब कोई कोई कुछ दिया ही नहीं लोगों ने, अब बतियाते हैं, बतियाने की कौन सी बात है। ये पूछिए कि इनसे अभी ये क्या कहते हैं आप, 2 साल पहले 2017 से पहले जो है एक टीचर हैं, वो क्या नाम का था भुला गया मैं हूँ, वो आंदोलन शुरू किए थे विश्वविद्यालय के लिए, चिट्ठी गई क्या कहते हैं वहाँ पे, उसको रख दी गई। हाँ कई लोग थे वो आजमगढ़ विश्वविद्यालय, हाँ सुजीत श्रीवास्तव, हाँ सुजीत श्रीवास्तव, वो लोग 5-6 लोग मिल के लोग अपना जो है चिट्ठी किए, यहाँ आंदोलन किए, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं उसमें अखिलेश यादव जी वो अपना जो है बात रखे कि हाँ ठीक हम आपकी बात को रखेंगे, लेकिन चुनाव हो आया वो कुछ हुआ नहीं उसमें। उसके बाद अखिलेश सरकार चली गई, उसके बाद जब योगी जी जब आए हैं तो जो है वो आगे बात बढ़ी है, और सदन में जो है वो प्रस्ताव आया कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय के लिए अनुदान जो है पास हुआ, बस जमीन नहीं हो पाई थी, जमीन जब मिली है तो वहाँ ये जो है चक्रपानपुर के पहले जो है वहाँ पे काम हुआ, निरहुआ के समय ये काम हुआ, निरहुआ दौड़ा है और दौड़ दौड़ के प्रोजेक्ट लाया आजमगढ़ के लिए। कार्यकाल में रौना पार बिलरियागंज का जो रोड है, आप वहाँ के किसी भी जो निवासी हैं उनसे जाके पूछिए कि विकास किस तरीके से हुआ। आज तो उसी रोड पे गए थे हम, आप गए होंगे ना, तो आपको भी महसूस हुआ होगा कि हम कितने अच्छे रोड पे चल रहे हैं, और आप अगर ये 2 साल पहले आते ना तो आप भाई साहब फिर अपनी गाड़ी वहीं बैक करते और किसी तरीके से भगवान से ये मनाते कि आप किसी तरीके से मेन रोड पे आ जाएं ताकि हम कुशल से घर पहुंच जाएं। ये जान लीजिए इतने समय से रहते रहे, आप लोग की समस्याएं इतनी गूढ़ हैं, इतनी बड़ी समस्याएं हैं, और आप लोग इतना क्या सांसदों के यहाँ, मुलायम सिंह यादव जब यहाँ पे सांसद थे, अखिलेश सुन तो लीजिए सर, सवाल लीजिए, मुलायम सिंह यादव जब यहाँ पे सांसद थे, अखिलेश यादव जब यहाँ पे सांसद थे, देखिए मैं इस बात से नहीं अग्री करता हूँ कि सांसद को क्षेत्र में काम करने के लिए दिखना जरूरी है, ठीक है। मैं बनारस से आता हूँ, हमारे सांसद नरेंद्र मोदी हैं, मेरे क्षेत्र में कोई काम हो रहा नहीं हो रहा तो ये लोग थोड़े कहेंगे हमारे सांसद को देख नहीं पाते हैं, भाई प्रधानमंत्री है ना वो, है कि नहीं। आप दूर होके काम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं इस पे है, और दूर होके समस्याएं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतनी समस्याएं थी यहाँ पे, तो आप लोगों ने कभी ये दिक्कत रेज नहीं की अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के सामने कभी? तभी तो आदमी कहेगा, जनता तभी तो बोलेगी जब सांसद मिलेगा यहाँ पे रोड पे या धरातल पे हमारे सामने, तब तो कुछ से हम अपनी कोई बात कहेंगे।
जब सांसद हमें 5 बार मोदी जी आए हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री हमको लगता कोई इतनी बार नहीं आया होगा। जितनी बार वो आए कुछ न कुछ क्या कहते उद्घाटन किए हैं और रोड का या कुछ न कुछ उनका काम करते ही रहे हैं, कुछ न कुछ देते रहे आजमगढ़ को। ऐसा नहीं कि वो किसी राजनीति से आए हों, हमेशा कुछ न कुछ आजमगढ़ के लिए कुछ न कुछ करते रहे। अब इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, नहाना धोना संध्या पूजा करना तब भोजन करना। ठीक है, बहुत दूर तो नहीं जाना है? नहीं, थोड़ा ही दूर जाना है। जय जय सीताराम। सर ये लोग बात करते हैं हमेशा 70 साल 70 साल 70 साल की बात कोई नहीं कर रहा है नहीं, अभी लोग बात कर रहे हैं कि सांसद जी दिखते ही नहीं थे जब सांसद थे यहाँ पे, तो अखिलेश जी दिख भी नहीं करते थे, ये सब बात हो रही है। मुलायम सिंह जी भी तो नहीं थे तो अभी नहीं कभी दिखे? नहीं दिखते थे, कमो तो होता था, उनके प्रतिनिधि तो थे यहाँ पे। ये भी बोले कमो नहीं होता था, लोग 10 साल लालटेन लेके इस जनपद के लोगों ने खोजा है मुलायम सिंह जी को। जी बोले लालटेन लेके खोजना पड़ता था सांसद, ये सब तो कहने वाली बात है। बिना लालटेन लेके खोजते थे, उसके बाद भी काम होता था, सब कुछ आजमगढ़ में दिया, रेलवे दिया, कमिश्नरी दिया, एयरपोर्ट दिया, सब कुछ तो दिया उस आदमी ने। 70 साल वाली बात क्या बोल रहे थे? जैसे जो लोग बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, लगातार सुई भी हमारे देश में नहीं बनती थी, सब कुछ तो दिया, क्या लेंगे? सब कांग्रेस ने दिया, बिल्कुल दिया सब कुछ 10 साल से। ये लोग क्या दिए ये बता, 4 चीज बता दे क्या दिया इन्होंने, बताइए भाई। 10 साल में सरकार ने क्या दिया, केंद्र सरकार ने क्या दिया? जो आजमगढ़ में हमको हमारे आजमगढ़ में चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो ये भाई साहब कह रहे हैं यहाँ, जब अखिलेश यादव चुने गए थे सांसद, तो यहाँ उनके वो लेने नहीं आए अपना सर्टिफिकेट। यहाँ के जिला अध्यक्ष जो हवलदार यादव थे, वो आके सर्टिफिकेट लिए। ये बड़ी बड़ी मशहूर खबर है, आप एक देख लीजिए, ये सबसे बड़ी चीज है। और ये कहते हैं आजमगढ़ में बहुत विकास हुआ, ये गिनवाते हैं कमिश्नरी आया, तो कमिश्नरी आया या एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ में आम जनता के लिए कहीं पार्क बनाया हो तो बता दीजिए। हमारे यहाँ से माननीय इनके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब थे, तो उन्होंने दुर्गा यादव यहाँ से मंत्री हुआ करते थे। जब ये मंत्री थे यहाँ पे, तो मंत्री थे तो इन्होंने बताइए, अगर एक भी जनता के लिए पब्लिक के लिए पार्क बनाया हो, कोई पार्क नहीं बनाया। आज निरहुआ ने पार्क भी बनवा दिया। आप चले जाएंगे हमारे यहाँ सिधारी के बगल में, तो वहाँ देखिए कमिश्नरी के बगल में पार्क भी बना हुआ है, अच्छा पार्क, जो आम पब्लिक को क्या चाहिए। अब कमिश्नरी देके कब तक वोट लेते रहेंगे, और जनता कब तक वोट देगी? यहाँ सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं और उसी पे जनता को ठग के वोट लेने का काम करते हैं। ठीक है, जातिवाद की बात हो गई है, जवाब नहीं है तो। और आज इनकी खुशी बता दें, आज इनकी खुशी क्या है, ये चुनाव ये नहीं जीत। मिंटू जी वहाँ खड़े, देखो निरहू खड़े, मिंटू जी उतना भाग गए, भाग गए, चुनाव जीतने की बात बोले। अरे क्योंकि मिंटू जी वहाँ खड़े, उतना दूर खड़े, मिंटू जी भाग गए, जवाब नहीं। हमारे दोस्त राजीव भैया को धकेल के लेकर आ रहे, जवाब नहीं, इतना गड्ढा निरहू जब से आए। अरे सुनिए मिंटू जी, गजब का बना दिया चारों तरफ, मिंटू जी। अरे मिंटू जी भागे नहीं, बोला बोला नहीं बतिया पाएंगे, ठीक बतिया लीजिए, जवाब खेल रहा था, सब ठीक है जी। लोग बोल रहे हैं जब थे यहाँ पे जातिवाद की राजनीति करते थे, टोटल कौन जातिवाद की टोटल जातिवाद, अखिलेश यादव उनके घर के लोग, इसके बारे में हम नहीं कह पाएंगे। जातिवाद की जातिवाद तो था, 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 जातिवाद तो था, जातिवाद था, यहाँ पे था, यहाँ पे मानते हैं, मानते पलट गए क्या? नहीं नहीं पलट नहीं गए, जो सही है उसको मानेंगे। जातिवाद पहले था, आज भी है, अब आज के नहीं, पहले था, आज भी है। मुख्यमंत्री जी जिले में आए थे सपा के, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री, और आज भी उन्होंने मन से क्या कहा, यही बोला कि हमारे पास तो गुड्डू जमाली हैं। तो ये कहने का तात्पर्य उनका क्या है, गुड्डू जमाली जो बसपा वाले भी छोड़ के सपा में आए, सपा में आए, उनको MLC बनाया गया। उनके कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है कि उस काम का सारा वोट हमारा है बस, और उनका यही जातिवाद की राजनीति करके यहाँ जीतना चाहते हैं और कभी विकास नहीं। वो तो सपा वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जाति की राजनीति होती थी, कि जातिवाद था वही। आप किसके हैं? तो मैं सपा के नहीं हूँ। आप हैं किसके? मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं सपा के नहीं हूँ। सपा का पक्ष ले रहे थे आप? मैं तो राहुल गांधी का पक्ष ले रहा हूँ, मैं सपा का थोड़ी पक्ष ले रहा हूँ। समर्थन सपा का है और कोई बात नहीं है, समर्थन सपा का गठबंधन है। वो समर्थन सपा का है, वो समर्थन सपा का है। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? सीना पे मोबाइल लगाए चेक करा लेंगे, दिख गया स्क्रीन। समर्थन सपा का है, कांग्रेस वाले तो समर्थन ही सपा का करेंगे। सिंगल दिनेश लाल यादव भाजपा और निरहू, उनके अलावा यहाँ कोई सांसद नहीं। जितना वो काम कर दिया 6 महीने के उपचुनाव के बाद, कोई नहीं कर पाया। और जब से योगी जी आए,
तब से आजमगढ़ में जो काम हुआ वह सराहनीय है। हम लोग तो हमेशा जय योगी जय श्री राम जय मोदी। मिंटू जी फिर चले गए क्या? भाग जाएंगे, कोई जवाब नहीं है। ये है भाजपा, आइए इधर आइए मिंटू जी प्लीज, जनता की भारी डिमांड पे सामने आइए। सब कुछ नहीं है सर, टोटल चल रहा है एकदम, समझ लीजिए कि बात बताइए पहले। सब राजनीति छोड़ दीजिए, पहले आप उधर कितने जा रहे हैं बार-बार जाके? सर मेरे दोस्त उन लोग को जाना है कुछ काम से, देखे गाड़ी हाथ में है वो तो आप आ गए तो रुक गए, नहीं तो सब जा क्यों रहे हैं, रुक गए तो बोल बताइए। लोग बोल रहे हैं कि क्या होता है कि ऐसे ही हर सपा के नेता हैं चले जाते हैं, जैसे जा रहे हैं कांग्रेस के, समय नहीं निकाल पाएंगे। आप सर इन लोग को छोड़िए, आप क्वेश्चन करिए हम उसका जवाब दे देंगे। क्वेश्चन तो यही है, बोल रहे हैं कि सपा के लोग मैदान छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा एक्सीडेंट, ऐसा कुछ नहीं। ये सब जो हताशा है, चुनाव सब लोग हार रहे हैं और बयार चल रही है, आंधी चल रही है राहुल गांधी और अखिलेश जी की, इसमें आंधी चल रही है, आंधी चल रही है। जैसे जैसे 17 में चली थी वैसी हताशा, ये 17 वाली नहीं 14 के पहले वाली ये हताशा है और कुछ है नहीं। हर तरफ आंधी राहुल गांधी की चल रही है और अखिलेश की चल रही है, रोज होती है। बातचीत को यहाँ बंद करते हैं और आप ललन टॉप देख रहे थे आजमगढ़ के लोग, हम ललन टॉप की चुनाव यात्रा को जारी रखेंगे और जिलों से और लोकसभाओं से बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।